हाई एवरी वन, आई एम सुश्री। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। एंड आज के वीडियो में शेयर करूँ मेरा संडे का क्लीनिंग रूटीन, एंड होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे आज का ये वीडियो। एवरी वीकेंड मैं ट्राई करती हूँ घर थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करने के लिए, तो आज हम लोग कर रहे हैं और अभी शुरू किए हैं हम लोग बेड से। और आप लोग देख सकते हैं दीवार कितने सारे टॉयज बेड के पीछे जो होता है ना फेंक देता है, तो उसको हम लोग एवरी वीकेंड ट्राई करते हैं निकालने के लिए, क्योंकि उसके कुछ कुछ टॉयज मिसिंग रहते हैं और वो ढूंढता रहता है। एवरी वीकेंड विदाउट एनी फेल मैं ट्राई करती हूँ मेरा बेड का सेट चेंज करने के लिए, सो हम लोग वही कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट फेज है मेरे घर में हम लोग का लिविंग रूम एरिया, जहाँ पे हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इवन देवांश भी यहीं पे खेलता है बहुत टाइम, तो मोस्टली उसके टॉयज ही रहते हैं यहाँ पे, तो वही अभी हम लोग क्लीन करेंगे। बहुत बार मुझे ये क्वेश्चंस आया है कि आप क्यों सब कुछ काम करते हो, आपके हाउसमेड और हाउस हेल्पर क्यों नहीं आते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं यूएसए में रहती हूँ और यहाँ पे हाउस हेल्पर मिलते नहीं हैं, अगर भी मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम लोग खुद का काम खुद से करते हैं यहाँ पर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी कहीं भी डिसइंफेक्टेंट वाइप्स और सैनिटाइज़र कहीं नहीं मिल रहा है। लकीली मेरे पास दो डिब्बे थे जो कि अभी ख़त्म हो गया है, तो मैं घर में बना रही हूँ आजकल फ्रॉम लास्ट टू वीक से, एंड दिस वन इज़ रियली गुड। अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल टिश्यू रोल जो नैपकिन रोल्स आता है उसको डिब्बे के हिसाब से कट कर देंगे। मैं मेरा ओल्ड एक डिब्बा जो डिसइंफेक्टेंट वाइप्स का है वो यूज़ कर रही हूँ, आप जो डिब्बा यूज करेंगे उसी हिसाब से कट कीजिएगा। द मेन इंग्रेडिएंट है कि ये है एजिथ्रोपिन, 70% का जो है आता है, मेरे पास लकीली है ये, तो मैं उसको यूज कर रही हूँ। अगर नहीं है तो आप पीछे डिब्बा देख सकते हैं, कोल्ड्रेक्स का एक आता है ब्लीच जो कि 99% एंटीबैक्टीरियल होता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट मेजरमेंट मैं इन्फो बॉक्स में दे दूँगी, आप ट्राई कीजिएगा। मैं ऐड की हूँ एक एसेंशियल ऑयल, आप अगर आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम, एंड दिस वन इज अ रियली गुड वन, आप ट्राई कर सकते हैं अभी। यूएसए में जब आप अपार्टमेंट लोगे तो पूरे घर में येलो बल्ब्स होते हैं, और जैसे कि इंडिया में हम लोग को आदत है कि CFL और जो बार लाइट यूज करने का, स्पेशली मुझे तो वाइट लाइट बहुत ही पसंद है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें इसे पूरे घर का लाइट्स चेंज करते हैं। तो वहाँ से ड्राइंग रूम का हम लोग चेंज नहीं किए, तो आज फाइनली हम लोग को टाइम हुआ, तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं बल्ब। नाउ इस टाइम फॉर लॉन्ड्री, और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के कि आप कपड़ा कैसे क्लीन करते हो, तो आप आज देख सकते हैं एवरी वीकेंड मेरा तीन लोड निकलता है, जैसे कि एक होता है देवांश का, एक होता है मेरा और मेरे हस्बैंड का, और एक होता है घर में जितने भी बेड कवर्स हो गए और फिर किचन टावल्स क्विल्ट वगैरह वो सब का, तो मैं कलेक्ट कर रही हूँ सब रूम से, और मैं अभी लॉन्ड्री लाइक वॉशर ड्रायर में डालूँगी जितने भी कपड़े हैं। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ इधर फ्राइडे नाइट नहीं तो सैटरडे मॉर्निंग को ही कपड़ा जितने भी हो क्लीन हो जाए, बट कभी कभी संडे भी करती हूँ, ताकि क्या होता है ना मेरा मोटिव ही रहता है कि मंडे से पहले ही ना मेरे जितने भी कपड़े हैं वो सब फोल्ड हो जाए। मोस्टली हम लोग संडे नाइट को बैठते हैं मूवी देख देख के जितने भी कपड़े होते हैं उसको फोल्ड करते हैं।
क्लीनिंग रूटीन मतलब ये नहीं है कि मैं सैटरडे संडे को ही क्लीन करती हूँ, वीकडेज में भी अगर लगा कि ये जगह क्लीन करना है तो मैं करती हूँ। जैसे कि बाथरूम हो गया और टीवी स्क्रीन हो गया, डोर्स हो गए, और फिर कुछ लॉन्ड्री अगर लगा कि हाँ हम लोग को पहनने को मन कर रहा है तो मैं क्लीन करती हूँ। और अभी मैं क्लीन कर रही हूँ थोड़ा सा टीवी स्क्रीन, जो कि बहुत ही गंदा होता है मेरे घर में, एंड मेरा जितने भी ग्लास डोर है, मिरर्स है, वो क्लीन करूँगी। नेक्स्ट हम लोग क्लीन करेंगे डाइनिंग टेबल एरिया, दीवान्स का। हाय जी यार, वैसे तो ये एरिया मेरा एवरी डे 2 times क्लीन होता है, बट स्पेशली इन वीकेंड मैं ट्राई करती हूँ अच्छे से डीप क्लीन करने के लिए सब कुछ हटा के। ये जो स्पेस है मेरे घर में आपको कभी भी क्लीन दिखेगा नहीं, दीवार का ये टॉयज जोन है तो टॉयज रहता है। अभी मैं क्लीन की थी, आप लोग देखे होंगे अभी फिर से टॉयज सब बाहर आ गए हैं। तो जनरली मैं क्या करती हूँ, दीवार का इवनिंग के टाइम में ही क्लीन करती हूँ ताकि वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक तो क्लीन ही रहता है। मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं दोनों रूम का जो ग्लास विंडो है वो सब क्लीन करने के लिए। क्लीनिंग हो रहा है उसी बीच में हम लोग का लंच भी खत्म हो गया है, इवनिंग स्नैक्स के साथ चाय भी। तो अभी लोड करेंगे डिशवाशर जितने भी यूटेंसिल निकले हैं बिफोर डिनर। पूरे घर क्लीन करने के बाद मैं आती हूँ किचन क्लीन करने के लिए। मंथली वंस मैं पूरा डीप क्लीनिंग करती हूँ, एंड एवरी वीक लाइक संडे मैं पूरे अच्छे से क्लीन करती हूँ एक बार। एंड जनरली जो मेरा गैस है, स्टोव है, उसका जो बर्नर है उसका मैं एल्यूमिनियम फॉयल लगाती हूँ। आप लोगों में से बहुत जन मुझे क्वेश्चंस पूछे थे कि आप कैसे लगाते हो, तो आई एम गोइंग टू शो यू इन डिटेल्स कि मैं कैसे लगाती हूँ। उससे पहले मैं पूरे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ उसके ऊपर के जो पार्ट्स हैं। वैसे तो मैं जब आई, आप लोग देखे होंगे मेरा किचन मेकओवर में ऑलरेडी मेरा ख़राब हो चुका था, क्योंकि हम लोग मूव किए, मम्मी पापा थे, फिर उन लोग का जाना हुआ तो ऑलरेडी थोड़ा सा ख़राब हो चुका था। फिर भी मैं स्टिल मैं उसको लगा रही हूँ ताकि ज़्यादा गंदा ना हो, एंड बिफोर लाइक लिविंग द अपार्टमेंट मैं एक नया ला के रख सकती हूँ, लगा सकती हूँ जो कि मिलता है। तो अभी क्या करेंगे, नॉर्मल ही एल्युमिनियम फॉइल जो होता है उसको ही ऐसे मैं एक स्क्वायर शेप में कट की और उसको हम लोग लगा देंगे। डायरेक्टली आप ऐसे ही उसमें थोड़ा सा प्रेस करके लगाने से ये आराम से लग जाता है। तो अब ये देख सकते हैं पूरा अच्छे से टाइट हो गया है ये, और इसमें रहता है 2 holes आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग फिर से कट कर लेंगे, मैं नाइफ यूज कर रही हूँ और उसको हम लोग कट कर लेंगे अभी, एंड दैट्स इट। ये बहुत ही सिंपल रहता है और लुक जो होता है ना गंदा नहीं दिखता है, पूरा काला होने से अच्छा नहीं दिखता है, पर इसको लगाने के बाद ना अच्छा दिखता है जो किचन स्टोव है। नेक्स्ट हम लोग क्लीन करेंगे माइक्रोवेव और जितने भी अप्लायंसेस है वो मैं क्लीन करती हूँ। इसके लिए मैं एक घर में ही DIY सॉल्यूशन है मेरा, 50% ऑफ वाटर एंड 50% ऑफ विनेगर ही मैं यूज करती हूँ, एंड दिस वन इज़ रियली गुड। अच्छे से क्लीन हो जाता है एंड इट्स अगेन केमिकल फ्री है, तो आप आराम से यूज कर सकते हैं ये। तो मैं उसी सॉल्यूशन के साथ ही थोड़ा सा मैं वाइप्स ली हूँ और अच्छे से मैं क्लीन करूँगी
मेरा माइक्रोवेव और जितने भी मेरे अप्लाइंसेस है, स्पेशली मेरा ग्राइंडर जो कि काफ़ी गंदा हो जाता है वीकली वॉन्स, तो क्लीन करना ज़रूरी होता है। एवरी नाइट मैं किचन क्लीन करती हूँ फिर सोने के लिए जाती हूँ, नहीं तो मैं सुबह उठ के ना मुझे कुकिंग करने के लिए टोटली मन नहीं करता है। तो क्लीनिंग इज़ लाइक वेरी नेसेसरी थिंग फॉर मी। एवरी नाइट तो होता ही है बट एवरी सैटरडे संडे मैं ट्राई करती हूँ जितने भी अप्लायंसेस है, जैसे कि हो गया सैंडविच मेकर, टोस्टर, ग्राइंडर, वो सब क्लीन करने के लिए। और इस दिन मैं ट्राई करती हूँ कि जितने भी रिफिल करना है, जैसे कि ऑयल हो गया, वो सब भी मैं कर लेती हूँ अगर टाइम मिलता है तो मुझे। ऑलमोस्ट किचन क्लीन हो गया है, अभी मैं थोड़ा सा फ्रिज का भी बाहर से क्लीन कर दे रही हूँ क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा स्टोव के पास ही है, तो कभी कभी कुकिंग करते वक्त ना कुछ कुछ लग जाते हैं तो वो मैं क्लीन कर रही हूँ। फ्रिज के अंदर का क्लीनिंग मैं अभी कभी और आप लोगों से शेयर करूँगी। ये हो गया मेरा पूरा किचन क्लीनिंग ऑलमोस्ट डन एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है किचन क्लीन के बाद, स्पेशली मेरा किचन और मेरा बाथरूम क्लीन रहने से ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा प्रायोरिटी रहता है कि ये दो जगह तो क्लीन रहना ही चाहिए क्योंकि बाकी जगह टॉयज वॉयज रहते हैं तो इतना नहीं, बट हाइजीन के हिसाब से किचन और बाथरूम हमेशा क्लीन रहना चाहिए। एंड फिर इज द लुक, लास्टली मैं करूँगी पूरे घर का वैक्यूम एंड दैट्स इट। ये हो गया मेरा संडे का क्लीनिंग रूटीन। जनरली क्या करते हैं हम लोग, दो दिन डिवाइड करते हैं, एक दिन होता है पूरे घर का क्लीनिंग इंक्लूडिंग बाथरूम भी होता है, बट आज हम सब मैं शेयर नहीं कर पाई आज, नहीं तो मेरा वीडियो और ही लंबा हो जाता। एंड रात को हम लोग जैसे करके भी जितने भी कपड़े लॉन्ड्री से निकलेंगे उसको फोल्ड करेंगे। जनरली ये होता है हम लोग का काम सैटरडे संडे का, अभी घर में है तो कहीं जाना नहीं पड़ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है तो अच्छे से मैनेज हो पा रहा है। एंड होपफुली आप लोग एंजॉय किए होंगे आज का ये वीडियो एंड थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिले आप लोग को आप लोग का घर क्लीन करने के लिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो गिव ए थम्स अप एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।